अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सॉफ्ट, जालीदार, सुपर मॉइस्ट और टेस्टी सा ढोकला की रेसिपी। जब कभी भी अचानक से भूख लगे, कुछ अच्छा खाने का मन हो या फिर मेहमान आ जाए तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं, तो आप ये सॉफ्ट और जालीदार सा ढोकला की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो इसे हम बनाने वाले हैं बिना दही के, बिना साइट्रिक एसिड का यूज़ किए हुए और बिना किसी स्टीमर और ओवन के बनाएंगे, और यहाँ पर हम सोडा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा सा हमारा ढोकला बनकर तैयार होगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलते हैं, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट सा जालीदार ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बोल ले रही हूँ, उसमें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम नींबू पानी बनाएंगे, तो इसके लिए 2 कप मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ। तो नाप कर लीजिएगा सारी चीज़ों को, कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसी से नाप कर आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कप मैंने पानी ले लिया है, और अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पर मैं सेंधा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल खाने वाला जो घर में नमक होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड किया है, और इसी के साथ 1 नींबू का रस मैंने यहाँ पर निचोड़ कर रख लिया था, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे इसमें। और इसी के साथ में हम इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हींग ऐड करेंगे। तो 1/4 चम्मच के करीब यहाँ पर हम हींग ऐड कर रहे हैं, तो 1 चुटकी आप हींग डाल सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, तो बिल्कुल बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्चें थी, जिसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे शक्कर। तो यहाँ पर 3 बड़े चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर शक्कर ली है, 3 टेबल स्पून, तो इसे हम ऐड कर देंगे इसमें। और इसके साथ हम यहाँ पर लेंगे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया था, बिल्कुल फाइन चॉप कर सकते हैं आप या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम विस्कर से यानी कि जो बीटर होता है उससे हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो जब तक इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, जब तक शक्कर और नमक पानी में अच्छी तरीके से डिजॉल्व ना हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको विस्क करिएगा, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से घुल मिल जाएं। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसमें 1/4 चम्मच हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा पीला कलर रखना है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नॉर्मल कलर ही पसंद है, जिस तरीके से ओरिजिनल कलर आता है। तो इसके साथ हम यहाँ पर इसको रख देंगे साइड में, और अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक दूसरा बाउल, और इसमें हम डालेंगे यहाँ पर 2 कप बेसन। तो नाप कर जितना हमने पानी लिया था 2 कप, उतना ही हम यहाँ पर बेसन ऐड करेंगे। तो इसे हम छान लेंगे, छानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा जो ढोकला है सॉफ्ट और मॉइस्ट अच्छा सा बनेगा। तो जालीदार बनाने के लिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी तरीके से इसको 1 कप मैंने डालकर छान लेना है, और इसके बाद जो दूसरा कप है उसे भी हम डालकर छान लेंगे 2 कप बेसन को। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट पानी में आप बेसन को डालेंगे तो इस पर गुठलियाँ पड़ने के चांसेस रहते हैं, तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, और बहुत ही अच्छा सा हमारा ढोकला बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर सारा बेसन मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। अब जो नींबू पानी हमने तैयार किया था उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़ने पाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और थोड़ा थोड़ा मिलाते जाइएगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, इसको अच्छे से फेंटते जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, कोई लम्स नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने सारा पानी डालकर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इसको फेंट लिया है। तो जितनी अच्छी तरीके से फेंटेंगे उतना अच्छा ये फ्लफी, जालीदार और सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरीके से बीट किया है। अब इसके बाद हम इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक के अच्छे से मैंने इसको रेस्ट देने के लिए रखा था, जब तक हम अपना स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक वेसल मैंने ले लिया है बड़ा सा, और इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर इसमें डालेंगे एक स्टैंड। तो जो स्टैंड होता है स्टील वाला, उसे हम यहाँ पर इसमें रखेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोई कटोरी रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर उल्टी करके कटोरी रख दीजिएगा, और उसके ऊपर से ढोकले वाला जो बैटर का जो मोल्ड होगा उसको आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रख दिया, जब पानी गर्म हो जाएगा उसके ऊपर से हम यहाँ पर ढोकले का बैटर रखेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट देते हुए इसको, और इसके बाद हम इसको खोलने के बाद फिर से एक बार अच्छे से बीट कर लेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसको फिर से बीट कर लिया है, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इसको फर्मेंटेशन देने के लिए थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ना ही इनो यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 टीस्पून यानी कि 2 छोटे चम्मच खाने वाले जो चाय के होते हैं वो मैंने यहाँ पर भरकर डाल दिया है बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है और बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये इस तरीके के पैक में आपको मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर इस पर लिखा रहता है। तो यहाँ पर यही वाला आप ऐड करिएगा, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे, और फौरन से ही हम अपने मोल्ड में या जिस भी बर्तन में हमने ढोकला बनाना है उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखना होता है बेकिंग पाउडर डालने के बाद।
तो अब फटाफट से इस बैटर को हम केक टिन में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास केक मोल्ड है, अगर आपके पास केक मोल्ड ना हो तो आप इसकी जगह पर कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें फ़ौरन से ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके बाद हल्के से टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी ये भरने ना पाए। तो यहाँ पर एक गलती मुझसे हो गई थी कि ये मैंने ऊपर तक ये बैटर भर दिया था जैसे कि ये बाहर निकल आया था बेक होने के बाद। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा खाली रखना है 1 इंच तक। तो इसके बाद यहाँ पर स्टीमर जो है, यहाँ पर पानी भी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 20 मिनट से आधे घंटे तक के लिए हम इसको बंद करके रख देंगे स्टीम होने के लिए। और गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, ना बहुत तेज़ रखेंगे ना बहुत लो। अगर लो रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और बहुत हाई कर देंगे तो ये सही से परफेक्टली नहीं बन पाएगा। तो जब तक ये स्टीम हो रहा तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन मैंने ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच भर के हम तेल डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी हींग। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने हींग ऐड की है, तो आप 1/4 चम्मच के करीब हींग ऐड कर सकते हैं। तो जब हींग अच्छे से पक जाएगी उसके बाद हम इसमें मस्टर्ड सीड यानी कि जो सरसों राई होती है उसे डालेंगे। तो इसे केयरफुली डालिएगा क्योंकि राई बहुत ज़्यादा चटकती है तो ऊपर आती है उड़कर। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर ढक्कन ढक दिया था। और 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें लिए थे जिसे बीच से कट कर दिए थे, तो इसे भी ऐड कर दिया। साथ में करी पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये सारी चीज़ें मैं ढककर पका रही हूँ इस तरीके से क्योंकि ये बहुत उड़कर आती है ऊपर। तो इसी के साथ 2 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो 2 कप बेसन था, यहाँ पर 2 कप इसमें पानी हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा तड़का सिरप है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसमें खट्टा मीठा टेस्ट देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 टेबल स्पून भरकर इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के करीब शक्कर है, इसे हम ऐड कर देंगे। और साथ में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ढोकले में भी नमक होता है तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करिएगा। तो यहाँ पर 1 टी स्पून यानी कि 1 छोटा खाने का चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। और इसी के साथ हम यहाँ पर इसमें लेमन जूस यानी कि नींबू का रस ऐड करेंगे। तो 1 नींबू का रस मैंने यहाँ पर निकाल कर रखा था, उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकने देंगे। और साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया था उसे भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आएगा और बहुत ही ये टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, जब तक इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए। तो बहुत अच्छी तरीके से उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा तड़का बनकर तैयार हो गया है, अच्छी तरीके से इसमें बॉयल भी आ गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए जब हम इसको ढोकले पे डालेंगे। तो ये यहाँ पर रखा रहेगा जब तक हम अपना ढोकला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आधे घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया था तो बिल्कुल टूथपिक क्लीन निकल ली थी, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल मुझे लगा हल्का सा बैटर चिपक रहा है। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए गैस बंद करके इसी में रख छोड़ा था ताकि ये अच्छी तरीके से और पक जाए। तो यहाँ पर ये देख लीजिए बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट अच्छा सा हमारा ढोकला बनकर तैयार गया है। तो यहाँ पर केक टिन थोड़ा सा छोटा था इस वजह से ये ऊपर निकल कर आ गया था, तो ऊपर वाले पोर्शन को मैंने निकाल दिया जो अनइवन पार्ट था। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपको काटने से ही लग रहा हो कितना सॉफ्ट और स्मूथ सा ये बनकर तैयार हुआ है, और टेक्सचर भी इसका बहुत ही अमेजिंग सा आया है, बहुत जालीदार ये बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ही मॉइस्ट भी है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से ये देख लीजिए आप कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, ये छूने से ही पता चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से इसके चौकोर पीसेस हम कट कर लेंगे और ऊपर से जो हमने यहाँ पर इसका जो तड़का तैयार करके रखा था उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, स्क्वायर शेप में मैंने इसको कट कर लिया है जिस तरीके से बर्फी के पीसेस होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट और जालीदार हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर एक प्लेट में मैं इसे अरेंज कर रही हूँ जिसमें मैं इसको सिरप को डालूँ तो अच्छी तरीके से ये अब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो मैंने तड़का तैयार किया था उसे हम डाल देंगे। तो आधे घंटे के लिए हम इसको तड़का डालकर रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से सिरप को एब्जॉर्ब कर ले, और इसके बाद कट करके दिखाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा सॉफ्ट जालीदार और बहुत ही टेस्टी सा हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी मेरे ढोकले की रेसिपी को ट्राई करिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर जब आप सिरप डालें तो एक बात का ख्याल रखिएगा, जो आपका जो तड़का है ये भी थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए यानी कि बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए वरना आपका ढोकला ख़राब हो जाएगा। और जो ढोकला है ये भी थोड़ा सा ही गुनगुना यानी कि गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें गुनगुनी यानी कि हल्की सी वार्म होनी चाहिए, तो बहुत गर्म में नहीं डालेंगे, ना बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो, तभी अच्छी तरीके से इसको सोख कर पाएगा। तो आधे घंटे के लिए मैंने इसको सिरप को डालकर छोड़ दिया था, और इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट लग रहा था और बहुत अच्छे से इसने सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया था यानी तड़के को। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये मज़े का लग रहा है, देखने में ही कितना टेम्पटिंग है और डिलीशियस तो बहुत ज़्यादा था, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो ये देख लीजिए, आप भी इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।